अब हम पढ़ेंगे सिलेंडर के बारे में। सिलेंडर क्या होता है, ये 3D फिगर होता है। जैसे जिस शेप हमारी शेप जो मार्कर की जो शेप है, ये हमारा क्या है, एक तरीके का ये सिलेंडर है। ठीक, सिलेंडर ये जैसे कोई पाइप होता है वो भी हमारा सिलेंडर होता है। तो जो सिलेंडर की शेप होती है जनरली ऐसे ही होती है। तो सिलेंडर के जो एंडिंग पॉइंट रहते हैं, जैसे नीचे और यहाँ पे ये एंडिंग पॉइंट, यहाँ पे दो सर्कल बनते हैं, नीचे भी सर्कल ऊपर भी सर्कल। तो इस सिलेंडर में हमें दो चीज पढ़ना है, सबसे पहले समझना है एक कर्व्ड सर्फेस एरिया और एक टोटल सर्फेस एरिया। कर्व्ड सर्फेस एरिया क्या होती है, जैसे ये हमारा सिलेंडर है तो सिलेंडर में हमें तीन तरीके के एरिया दिख रही है, एक ये जो गोलाई वाली पार्ट है और एक ऊपर का सर्कल का एरिया और एक नीचे के सर्कल का एरिया। तो ये जो गोलाई वाला पार्ट है, जो इसका एरिया रहता है, इसी को हम कर्व्ड सर्फेस एरिया बोलते हैं, सर्कल को एक्सक्लूड करके। यानी सर्कल के एरिया को अगर हम छोड़ देंगे, दोनों सर्कल के एरिया को, तो जो सिर्फ ये गोलाई वाले पार्ट का एरिया, इसे ही हम कर्व्ड सर्फेस एरिया बोलते हैं। कर्व्ड का मतलब ही होता है गोलाकार, तो जो गोलाई वाला पार्ट है इसी एरिया को कर्व्ड सर्फेस एरिया बोलते हैं। और इसको निकालने का फार्मूला होता है, किसी भी सिलेंडर का कर्व्ड सर्फेस एरिया होता है 2πRh। पाई हमारा कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू 22/7 होती है, 3.14। आर हमारी रेडियस होती है। अब ये दोनों जो सर्कल रहते हैं, ये दोनों सर्कल सेम रहेगा तो जो दोनों की रेडियस हमेशा सेम होगी। और एच हमारा जो होता है, जो हमारा सिलेंडर रहता है उसकी हाइट होती है। तो कर्व्ड सर्फेस एरिया निकालने का फार्मूला हमारा 2πRh होता है। तो ये सिर्फ जो एरिया चली थी, ये सिर्फ कर्व्ड के बारे में एरिया था। अगर क्वेश्चन में ये आता है टोटल सर्फेस एरिया, तो टोटल सर्फेस एरिया क्या होगा, जैसे ये हमारा सिलेंडर है तो अब इसमें ये कर्व्ड सर्फेस एरिया अब प्लस ये जो सर्कल है, इस सर्कल का एरिया और प्लस इस सर्कल का एरिया, तब ना टोटल सरफेस एरिया होगा। यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया में अगर हम दो सर्कल का एरिया ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बन जाएगा। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फार्मूला होता है टोटल सरफेस एरिया 2πRh। ये कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया, क्योंकि जो गोलाकार पार्ट है उसका एरिया हो गया। फिर एक ऊपर का हमारा क्या है, सर्कल है। तो एक सर्कल, सर्कल का एरिया हम जानते हैं क्या होता है, πr2। तो एक सर्कल का πr2 ऊपर का ऐड करनी, फिर नीचे भी एक सर्कल बन रहा है तो नीचे का भी हम ऐड कर देंगे प्लस πr2। अब πr2 जुड़ के दोनों क्या हो जाएगा, 2πr2। हम देख रहे हैं 2πr कॉमन है तो ब्रैकेट में h प्लस r बचेगा, r इसको हम ये भी लिख सकते हैं 2πr ब्रैकेट में r प्लस h। तो ये फार्मूला होता है टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया का हमारा फार्मूला होता है 2πr ब्रैकेट में r प्लस h। ये सिलेंडर के टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला होता है। और सिर्फ अगर कर्व्ड सरफेस एरिया आएगा तो सिर्फ हम 2πrh रखेंगे, और अगर टोटल सरफेस एरिया आएगा तो उसमें जो दो सर्कल हैं उन दोनों के एरिया को ऐड कर लेंगे, फिर हम बना लेंगे, ये हमारा फार्मूला होता है। उसके बाद इसका वॉल्यूम, सिलेंडर का वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है, जैसे सिलेंडर हमारा कोई पाइप वाइप है तो उसके अंदर कितना पानी आ सकता है, या कोई सिलेंड्रिकल वेसल है, बर्तन वगैरह, उसमें कितना कोई सामान आ सकता है, उसके अंदर हम रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, वही वॉल्यूम होता है। तो इसके वॉल्यूम का जो फार्मूला होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर πr2h होता है। हमारा आर रेडियस होती है, एच हाइट होता है, π = 22/7, r 3.14। तो ये हमारे सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया का फार्मूला होता है, ये टोटल सरफेस एरिया का और ये वॉल्यूम का है। सिलेंडर को जनरली हम राइट सर्कुलर सिलेंडर भी बोलते हैं।